मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को चूहा कहा था। महाराष्ट्र के अकोला रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे खुद को छत्तीसगढ़िया किसान मानते हैं, लेकिन रमन सिंह उनके खिलाफ बाघ बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आरक्षण के चलते मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रोकने के मामले में भी बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत जल्द हल निकल आएगा, विशेष सत्र में चर्चा के बाद हल निकल जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराष्ट्र के अकोला जिले के शेगांव से निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। देखिए रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ, मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा बिल्ली कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। देश भर में जब आलोचना हुई है तब ये कदम उठाया गया, अन्यथा तो केंद्र सरकार तो सोई हुई थी, इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। बचत मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करती है और इस मामले में उसके निष्क्रियता समझ के परे। भारत जोड़ो यात्रा में जा रहा हूँ और मैं सभी, मतलब तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इन राज्य में गया था, महाराष्ट्र में शामिल होने जा रहा हूँ। अभी एक दिन से मर्क हो जो आरक्षण के लिए विशेष सत्र आहूत की गई है, उसके बाद शुरू हो जाएगा। देश भर में जब आलोचना हुई है तब ये कदम उठाया गया, अन्यथा तो केंद्र सरकार तो सोई हुई थी, इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। बचत मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करती है और इस मामले में उसके निष्क्रियता समझ के परे। खैरागढ़ आए थे चौहान साहब, रिजल्ट देख लीजिए।